जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज नीलेश नेमा फ्रॉम सबदानी कोचिंग। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोलता है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 एंड 9 लीव्स रिमाइंडर 3। मतलब हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम 4 से 6 से 8 से और 9 इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो हमको रिमाइंडर दे दे 3। और इसके बाद वो आपसे बोलता है बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। मतलब वो चाहता है कि आप उसको ऐसा नंबर बताएं जिनको 4, 6, 8 और 9 से आप डिवाइड करें तो वो आपको रिमाइंडर दे 3। बेटा ऐसा नंबर निकालने के लिए आपको सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम जब आप निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा, आप निकाल के देखेंगे इसमें से आपका एलसीएम आएगा और उसके बाद जो भी एलसीएम आएगा उसमें आप जोड़ दोगे कितना 3। क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन होती है कि एलसीएम इज द लीस्ट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ऑल गिवन नंबर। जब इनका एलसीएम आएगा तो वो नंबर होगा जो इन सब से पूरा पूरा डिवाइड होगा, और जब हम उसमें 3 जोड़ देंगे तो इससे डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 3 देगा, इससे डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 3 देगा, इससे डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 3 देगा और इससे डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 3 देगा। तो हम क्यों ना इसको ऑप्शन से चेक कर दें। देखिए सबसे पहले इनका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम होगा, इसका फैक्टर बनाइए 2 का स्क्वायर, इसका बनाइए 2 × 3, इसका बनाइए 2 का क्यूब और इसका बना लीजिए 3 का स्क्वायर। देखिए एलसीएम में कॉमन फैक्टर जो आपको दिख रहा है उनकी लार्जेस्ट पावर ली जाती है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 लार्जेस्ट है 2 की पावर 3। तो एलसीएम में ले लीजिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो एलसीएम में आएगा 3 की पावर 2। बड़ा बड़ा वाला जो हमने फैक्टर है वो ले लिया तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 का क्यूब 8 × 3 का स्क्वायर 9। इनका एलसीएम आया 72। इसका मतलब ऐसा नंबर जो नंबर जो 4, 6, 8 और 9 से पूरा डिवाइड होगा वो 72। लेकिन हम इसको आंसर नहीं बोल सकते, इसको आंसर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आए, तो अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो नंबर होना चाहिए था 75। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन जो है वो 75 नहीं है। तो आपसे बोला जा रहा है लेकिन 7 से भाग देने पे कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े। तो अब हम क्या करेंगे, हम हर एक ऑप्शन को 72 से डिवाइड करेंगे। 72 से डिवाइड करने पे ऐसा ऑप्शन जो रिमाइंडर देगा 3 और इसके बाद 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं देगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे मैंने पहला ही ऑप्शन लिया 140 72 से डिवाइड होता है क्या? डिवाइड तो होता है लेकिन रिमाइंडर 3 नहीं देता, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो कैसा है, गलत। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 154 जो है ये 72 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, ये भी रिमाइंडर आपको 3 नहीं देगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, जो तीसरा ऑप्शन है 147 को जब आप 72 से डिवाइड करोगे ना तो ये आपको रिमाइंडर देगा 3। 72 × 2 = 144 रिमाइंडर आया 3। फिर आप चेक करिए क्या 147 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, हाँ 7 से 2 बार और ये 7 से 1 बार, तो इसने रिमाइंडर क्या दे दिया 0। इसका मतलब इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 147।